फूलों की चांदनी पे हमने उसे सुलाया, तुम मुझे यूं भुला ना पाओगे। हेलो रकेंस, कैसे हैं आप सभी? दोस्तों, मैं एहसान कासिम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल एहसान कासिम इंडिया। सारी रात जाएगी तुमको भी कैसे। दोस्तों, गुमनाम कलाकारों की सीरीज में कल हमने राकेश पांडे जी पर अपनी वीडियो पोस्ट की थी, जिसके लिए हमें आप रेफरेंस के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स मिले। दोस्तों, इसी तरह कमेंट्स करते रहें और हमारी हिम्मत बढ़ाते रहें, और अपने कमेंट्स में अपने फेवरेट कलाकार का नाम भी जरूर लिखें, ताकि हम आने वाली पोस्ट उन कलाकारों पर पोस्ट कर सकें। दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी साहब ने तो बहुत से कलाकारों को अपनी आवाज़ के जादू से जमीन से आसमां तक पहुंचा दिया। मैं सूरज की रोशनी, तू चंदा की चांदनी। लेकिन कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जिनके लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाने तो गाए, गाने हिट भी हुए, लेकिन कभी वो मूवी सिनेमा हॉल तक नहीं पहुँच पाई। ऐसे एक कलाकार हैं परवीन सूद जी। परवीन सूद जी ने 4 मूवीज में काम किया, लेकिन मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ उन्हें सिर्फ एक ही मूवी मिली। परवीन जी के लिए मोहम्मद रफ़ी साहब ने 1980 की मूवी शादी से पहले के लिए 3 सॉन्ग गाए। तो हमसे रहा भी ना जाए। तीनों ही गीत बेइंतहा खूबसूरत गीत हैं और जबरदस्त हिट हुए थे, पर बदकिस्मती कहिए या कुछ और, ये मूवी कभी भी सिनेमा हॉल तक नहीं पहुंच पाई। शादी से पहले के लिए पहला सॉन्ग मोहम्मद रफ़ी साहब ने परवीन जी के लिए गाया। गाने के बोलते, एक खूबसूरत लड़की मुझे रात को मिली थी। एक खूबसूरत लड़की मुझे रात को मिली थी। ये सॉन्ग जबरदस्त हिट हुआ था और आज भी रेफरेंस की पहली पसंद बना हुआ है। दूसरा सॉन्ग जो परवीन जी फिल्माया गया, उसके बोल हैं, ये सुर्ख जोड़ा ये बागपन। ये सुर्ख जोड़ा ये बदन और ये तुम्हारा बागपन। ये सॉन्ग भी मोहम्मद रफी साहब ने बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया था। तीसरा और आखिरी सॉन्ग परवीन जी पर फिल्माया गया, गाने के बोले, तेरी सांसों में कैसी खुशबू है। तेरी सांसों में कैसी खुशबू है, अब तो हमसे रहा भी ना जाए। दोस्तों, ये था परवीन जी और मोहम्मद रफी साहब का संगीत सफर। अगर आपको परवीन जी के और मोहम्मद रफी साहब के किसी और गीत की जानकारी है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में शेयर करें। सो नहीं जाना, अभी रात बाकी है। हंसी हो तुम, तुम्हें क्या गम, तुम्हें तो नींद प्यारी है। फूलों की चांदनी पे हमने उसे सुलाया, फिर प्यार व्यार करके सीने से भी लगाया। ये रात ऐसी रात है, आती है एक बार। ये शौखियाँ और ये अदा, सांसों में सरगम की सदा। आँख ऐसी के कमल तुम निशानी। मोहम्मद रफी साहब की शानदार आवाज और विरासत संगीत प्रेमियों और गायकों की पीढ़ी को ऐसे ही प्रेरित करती रहेगी। क्या आप उनके जीवन, करियर या उपलब्धियों के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं? तो आप हमारे YouTube चैनल एहसान कासिम इंडिया को सब्सक्राइब करें और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस वीडियो को देखने के बाद सब्सक्राइब कर लें। अपने दोस्तों से शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन और नए कलाकार के साथ। इजाजत दीजिए अपने दोस्त एहसान कासिम को। अल्लाह हाफिज़।